हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए रीजनिंग के बारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है, क्या कहता है, 3 के विपरीत सतह का अंक होगा, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर पासा में 3 है, यहाँ पर यानी कि 3 पासे हमारे पास दी गई है, ठीक है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है मेरे बाबू, ठीक है। और भी प्रश्न है, निम्नलिखित में से छूटी हुई संख्या भरिए, यानी कि एक सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में मेरे बाबू यहाँ पर कौन से नंबर आएगा, इनके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है, इसे बताना है मेरे बाबू, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से इसको हम सॉल्व करा देंगे मात्र 10 सेकंड में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और आपको बता दो मेरे दोस्त, और ये पार्ट नंबर हमारा 44 है दोस्तों, जिसने पार्ट नंबर 43 तक नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है, ठीक है, इसीलिए सभी पार्ट को आप आसानी से जाकर देखिए मेरे भाई। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बारी बारी से सारे प्रश्न को। तो आपका प्रश्न क्या कहता है ध्यान से देखेंगे मेरे बाबू, जो प्रश्न कहता है कि हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर से इस प्रश्न को लिया गया, क्या कहता है, यदि यू भी का पति है, मेरे बाबू एक चीज़ हम आपको बताता हूँ, ब्लड रिलेशन चैप्टर में जब भी हमें अगर पुरुष को बताना होगा ना मेरे बाबू, पुरुष को बताना होगा तो हम उसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे, अब महिला को बताना होगा यानी कि ये महिला है तो महिला को हम सर्किल में बंद कर देंगे, ठीक है बाबू, महिला को सर्किल में बंद करेंगे और पुरुष को ट्रायंगल में बंद करेंगे, यहाँ तक तो सब कोई समझ रहा है। चलिए अब क्या कहता है ध्यान से देखेंगे बाबू, कहता है कि क्या कहता, अब इसको तुम सॉल्व करो, यहाँ तो ये हमने सिंबल बताया कि पुरुष के लिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे और महिला के लिए हम सर्किल यूज करेंगे, क्या कहता है, यू भी का पति है, जो यू है वो भी का पति है, भी का पति है तो इसका मतलब ईमेल होगा, तो इसको ट्रायंगल में बंद करेंगे, बिल्कुल सही। आज जब ईमेल हो गया, जब पुरुष हो गया, आई पति पत्नी है तो ये बेचारे अपने आप की महिला ही होगी, क्योंकि पुरुष का शादी महिला से ही हो सकती है, तो यू भी का पति है। और मेरे बाबू ये पति पत्नी है तो इनके बीच में एक छोटा सा प्लस का हम साइन लगा देंगे, ठीक है, एक चीज़ आपने समझ लिया कि जो यूँ है वो भी का पति है, अब पति है तो इसका यहाँ से जेंडर डिफाइंड हो गया कि पुरुष है, ठीक है, और भी क्या है, जब ये पुरुष है तो महिला हो गई, और ये दोनों शादीशुदा है तो इनके बीच में एक छोटा सा हम प्लस का सिंबल लगा देंगे। चलिए आगे कहता है भी और डब्लू, जो भी और डब्लू है वो एक्स की पुत्रिया है, भी और डब्लू, एक तो भी यहाँ पर है, इसके बगल में एक्स हो जाएगा, ये पुत्रिया है किन की, एक्स ना हो डब्लू, भी और डब्लू पुत्रिया है किसकी, तो एक्स की पुत्रिया है, तो एक्स चला जाएगा ऊपर, अरे पुत्रिया है तो ई भी हो जाएगी सर्किल में बंद, क्योंकि पुत्रिया का मतलब लड़कियाँ यानी कि महिला होती है, तो जो यहाँ पर हमने फैमिली ट्री बनाया कि भी और डब्लू एक्स की पुत्रिया है, चलिए अच्छी बात है। आगे कहता है वाई एक्स का पति है, जो वाई है ना, जो वाई है वो एक्स का पति है, यानी कि एक्स का पति कौन है मेरे बाबू, वाई, तो ये पति है तो इसको हम बंद कर देंगे ट्रायंगल में, आई जब पति है तो ये पत्नी होगी तो इसको बंद करेंगे हम सर्किल में, आई पत्नी पत्नी है तो इनके बीच में एक छोटा सा प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यही इस प्रश्न का कहने का मतलब हुआ। अब हमारा फैमिली ट्री बन के कम्प्लीट हो गया, आप हमसे इससे कितना भी वो प्रश्न पूछ ले, सभी प्रश्न का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं बाबू, क्या किया है फिर से एक बार आपको समझाते हैं कैसे बनाया है हमने, यहाँ पर इसको बनाया है मेरे बाबू, कैसे ध्यान देंगे कि यूँ भी का पति है, तो यूँ जो है भी का पति बना दिए, अब पति है तो इसका मतलब यहाँ पर मालूम चल गया कि ये पुरुष है, तो पुरुष है तो इसको हमने बंद कर दिया ट्रायंगल में, और जब ये पुरुष है तो इसकी शादी महिला से ही हो सकती है, तो भी महिला होगी, महिला होगी तो उसको सर्किल में बंद करेंगे, और ये शादीशुदा है तो इनको हम बीच में प्लस का सिंबल यूज कर देंगे। चलिए आगे कहता है भी और डब्लू एक्स की पुत्रिया है,
यानी कि भी और डब्लू, जो भी यहाँ पर तो भी पहले से था, इसके बगल में डब्लू लिख देंगे। ये पुत्रिया है किनकी, एक्स की, एक्स की पुत्रिया है तो एक्स इससे ऊपर जाएगा, ये पुत्रिया है तो इसको हमने सर्किल में बंद कर दिया, चलिए यानी कि महिला है। आगे कहते हैं वाई एक्स का पति है, जो वाई है वो एक्स का पति है, एक्स का पति है तो उसको हमने बंद किया किस में, उसको हमने बंद किया मेरे बाबू ट्रायंगल में, और जो एक्स है वो बचा क्या, तो ये महिला होगी क्योंकि पति पत्नी है, तो और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा प्लस का सिंबल का हम यूज करेंगे। चलिए हमसे क्या कहता है प्रश्न, कहता है वाई यू का क्या है, जो वाई यू का डैश है, अब देखेंगे वाई जो है वो यू का क्या संबंध है, वाई का जो यू से वाई यू का, अब देखेंगे मेरे बाबू जो वाई है यू का भी क्या है, पत्नी, अब पत्नी के वाई क्या है, देखो यू का भी सॉरी हाँ यू का भी क्या है, पत्नी, अब पत्नी के माँ कौन है, एक्स, एक्स के पिता, एक्स के पति कौन है, वाई, यानी कि यू के जो भी है वो पत्नी है, अब पत्नी की माँ एक्स यानी कि सास हो गई, आ सास के पति को क्या कहते हैं, तो मेरे बाबू ससुर कहते हैं। फिर से देखिए यूँ का ये होगी पत्नी, अब पत्नी की ये होगी माँ, अब माँ की ये होगी पतिदेव, तो माँ के पतिदेव को क्या बोला जाता है, यानी सासू माँ के पतिदेव को ससुर बोला जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा मेरे बाबू वो दो हो जाएगा हमारा ससुर। तो इस प्रश्न को आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि दो नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहते हैं बाबू ध्यान देवेंगे। दो नंबर प्रश्न कहता है फूल का संबंध फल से है, उसी प्रकार फल का संबंध किस से होगा, इनके लिए चार ऑप्शन भी दी गई है मेरे बाबू, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि फूल का जो संबंध है यानी कि फूल का संबंध फल से है, उसी प्रकार फल का संबंध किस से होगा। एक चीज देखिएगा मेरे बाबू, जब भी किसी पौधा में जब फूल लगता है तो फूल से फल का निर्माण होता है, फूल से फल का निर्माण होता है यानी फूल से फल बनता है। तो मेरे बाबू फल से क्या बनता है, तो फल से बीज बनता है मेरे बाबू, फूल से फल बनता है, उसके बाद इसमें जो होगा फल से क्या बनता है बाबू, तो फल से बीज बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तीन हो जाएगा, फल से बीज बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या कहता है, 50 का संबंध जिस प्रकार मेरे बाबू 65 से है, उसी प्रकार 101 का संबंध कौन से नंबर से होगा, इनके लिए चार ऑप्शन भी दी गई है, ठीक है। तो मेरे बाबू मेरे सोना, यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो 50 का संबंध 65 है इसमें पहले रिलेशन को ढूंढेंगे, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 65 है ना, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 65 है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या है समानुपात का सिंबल दिया है, उसके बाद यहाँ पर क्या है तो 101 है, यहाँ फिर से समानुपात। एक चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे बाबू, जो 50 है ए 50 जो है ए 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 लिखा जा सकते हैं, बिल्कुल सही, 50 को हम 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 65 को बाबू हम 8 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में एक हम जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि 50 को हमने लिखा 7 स्क्वायर प्लस 1, 65 को हमने लिखा 8 स्क्वायर प्लस 1, क्या इन दोनों के बीच रिलेशन कोई दिख रहा है, बिल्कुल, यहाँ से 7 से 8 हो रहा है और दोनों में प्लस 1 तो सेम है, तो 101 देखो क्या है, 101 जो है वो 10 का स्क्वायर और प्लस 1 है, 10 का स्क्वायर प्लस का 1 का मतलब 10 का स्क्वायर 100 और 1 का स्क्वायर सॉरी 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा। यहाँ पर पहला में रिलेशन देख रहे हैं 7 के बाद 8 आ गया है, तो यहाँ पर 10 के बाद क्या आएगा मेरे बाबू, 10 के बाद 11 आ जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसके बीच में एक प्लस लग जाएगा, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 122, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इस प्रश्न का। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, क्या था मेरे बाबू, एक चीज ध्यान से देखेंगे, जो 50 था वो 7 का स्क्वायर प्लस 1 था, 65 था 8 का स्क्वायर प्लस 1 था, अब देखो कि 50 से 65 के बीच रिलेशन क्या है, यानी कि पहले इसमें 7 का स्क्वायर किया गया है देन 8 का एक बढ़ाकर, तो हम इसमें देख रहे हैं जो 101 है वो 10 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो आने वाले जो नंबर होगा वो 10 में प्लस 1 कर देंगे तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा हमारा 122 इस प्रश्न का राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 4 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है बाबू ध्यान देवेंगे। कहता है
कौन सा विषम है, इन पांच ऑप्शन दी गई है यहाँ पर, और इन पांच में से कौन एक ऐसा शब्द है जो चार से अलग है, यानी जिस प्रकार चार जो है किसी एक लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा, जबकि इसमें से एक होगा जो लॉजिक से बिल्कुल बाहर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे बाबू कि कैंची, ब्लेड, चाकू और आरा, ये चारों काटने का काम करता है, जबकि हथौड़ा जो है काटने का काम नहीं करता, ये ठोकने का काम करता है। तो मेरे बाबू इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हथौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हथौड़े के छोड़कर कैंची, आरी, ब्लेड, चाकू इसे किसी वस्तु को काटा जाता है, जबकि हथौड़ी से काटा नहीं जाता है, इसीलिए हथौड़ी इसका विषम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान देवेंगे हो, कहता है एक आदमी दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी का मतलब दक्षिण की तरफ मुख किया हुआ है, वह 135 डिग्री वामावर्त में मुड़ता है। सबसे पहले डायरेक्शन आपको बताना होगा, डायरेक्शन आपको बताना होगा बाबू। यहाँ पर जब भी पेपर पे हम डायरेक्शन बनाते हैं बाबू, तो हम क्या बनाते हैं आप लोग तो जानबे करते हैं कि जब भी पेपर पे डायरेक्शन हम जब बनाते हैं तो ऊपर में उत्तर बनाते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या होता है तो उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है तो नीचे में दक्षिण होता है, और दाहिने बगल में क्या होता है तो बाबू पूर्व होता है, अब बाएं बगल में क्या होता है बाबू तो पश्चिम होता है। ये चार मुख्य दिशाएं हो गई, हमारा चार उपदिशाएं भी होती है बाबू, चार उपदिशाएं भी होती है। चार उपदिशाएं का मतलब क्या है, चार उपदिशाएं कौन कौन सी है उसको भी यहाँ पर जानना है। चार उपदिशाएं भी होती है, ये चार उपदिशाएं कौन कौन सी होती है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, चलिए अच्छी बात है। नीचे आएंगे, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व बोला जाता है, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अच्छा, यहाँ पर देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच में इसे बोला जाएगा दक्षिण और पश्चिम, अच्छी बात है। यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम ही बोला जाएगा। चलिए यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए प्रश्न की ओर, हम कहते हैं, प्रश्न कहता है एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह किया है, यानी वह व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है और दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ है, चलिए अच्छी बात है, यानी कि दक्षिण की तरफ उसने मुंह किया है, हो गया। अब क्या कहता है, दक्षिण की तरफ मुंह किया है उसने, कह रहा है, प्रश्न ही कह रहा है, ध्यान देवेंगे, कहता है एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किया, यानी कि दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। वामावर्त का मतलब समझते हैं मेरे बाबू, घड़ी के उल्टे दिशा में, यानी कि घड़ी चलता है हमारा बाएं से दाहिने की तरफ, लेकिन वामावर्त का मतलब हो गया वो दाहिने से बाएं की तरफ चलाना है हमें। ठीक है, यानी कि घड़ी के उल्टे दिशा में चलाना है, तो वह 135 डिग्री घड़ी के उल्टे दिशा में चलाना है, दक्षिण की तरफ था। तब मेरे बाबू जब दक्षिण से वो पूर्व में जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन 135 चलाने के लिए 45 और चलाना पड़ेगा। और एक चीज आपको बता दूं मेरे बाबू, किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच, जैसे उत्तर पूर्व के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, पश्चिम उत्तर के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, पश्चिम दक्षिण के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और दक्षिण पूर्व के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि एक बिंदु पर मेरे बाबू 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जो डायरेक्शन होती है वो चार इक्वल पार्ट में बांट देती है, इसीलिए उसका जो एंगल होता है मेरे बाबू वो 90 डिग्री का होता है। चलिए और एक चीज बता देंगे, यहाँ पर जो उप दिशाएं होती है, जैसे ई वाला, आई वाला जो खंड बना है, यानी कि टोटल होती है 90 डिग्री। ठीक है, टोटल 90 डिग्री, तो ई वाला भी 45 डिग्री होता है, आई वाला भी 45 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री को ये आधा कर देता है। चलिए अब यहाँ तक आप समझ गए तो आसानी से कर सकते हैं। कहता है वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूरता है, यानी कि पहले वह दक्षिण की तरफ था, 145 डिग्री वाम, यानी घड़ी के उल्टे दिशा में घूमेगा तो चलाएगा कहाँ पर, तो उत्तर पूर्व में चलाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि दक्षिण से जब पूर्व में आएगा तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो जाके 135 डिग्री होगा। वह व्यक्ति जो था पहले था दक्षिण की दिशा में, दूसरे की बार चला था आया तो यहाँ पर आ गया, यानी कि दो नंबर स्टेप में आ गया, कहाँ पर उसने, उत्तर पूर्व दिशा में आ गया, 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। आगे क्या कहता है प्रश्न, ध्यान देंगे, आगे जो प्रश्न कहता है बाबू, फिर 180 डिग्री
दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ जाता है। ओहो, यानी कि 180 डिग्री मुड़ने का मतलब मेरे बाबू उसका अपोजिट चला गया, ठीक है, यानी उसका उल्टा देखेंगे, यानी उत्तर पूर्व से सीधे वो दक्षिणावर्त बोला, यानी कि घड़ी के दिशा में बोला तो वो चला आया अब यहाँ पर, यानी कि 3 नंबर वहाँ ये चला आया दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि यहाँ से उसने चलेगा तो उत्तर पश्चिम से आएगा दक्षिण पश्चिम में तो 90 डिग्री, और दक्षिण पूर्व सॉरी उत्तर पूर्व से जब दक्षिण पूर्व में आएगा तो 90 डिग्री, और दक्षिण पूर्व से जब दक्षिण पश्चिम में आएगा तो फिर से 90 डिग्री, 90 90 180 180 डिग्री घूमने का मतलब मेरे दोस्त हो गया वो जो है ना वो घड़ी के सीधे उल्टे दिशा घड़ी के दिशा में दक्षिणावर्त हो गया, और 180 डिग्री के मतलब में हो गया जो व्यक्ति जिस दिशा में था वह उसके अपोजिट दिशा में चला जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए अगर पूर्व पूरे खड़े हैं, ठीक है, आपको 180 डिग्री घुमाया जाएगा दक्षिणावर्त या बामावर्त, दक्षिणावर्त यानी घड़ी के उल्टे घड़ी के दिशा में घुमाया जाएगा तो आप 180 डिग्री जब घूमिएगा ना तब पूर्व के अपोजिट पश्चिम यानी पूर्व के उल्टा पश्चिम दिशा में आप चले जाएगा। उसी प्रकार उत्तर पूर्व का 180 डिग्री क्या होगा दक्षिण पश्चिम हो गया, 3 नंबर उसने यहाँ पहुँच गया। अब क्या प्रश्न पूछा, अब वह किस दिशा के सम्मुख है, अब बेचारा किस दिशा में उसका मुंह हो गया, तो मेरे बाबू उसका जो अब मुंह है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, उसका मुंह अब दक्षिण पश्चिम दिशा में हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 6 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है बाबू ध्यान देवेंगे, कहता है निम्नलिखित में छूटी हुई संख्या भरी, यानी कि यहाँ पर जो छूटी हुई संख्या है भरना है, यहाँ पर जो छूटा है संख्या इसी को भरना है। तो मेरे बाबू मेरे सोना यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है तो 78 है, उसके बाद में 78 से क्या बना है तो 46 के बाद क्या बना है तो बाबू 46 के बाद 30 आ गया, 30 के बाद 22 के बाद में क्या आ गया तो 18 के बाद में क्या आ गया तो 16, 16 के बाद में क्या है इसी को तो बताना है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 78 से 46 कैसे बना है मेरे बाबू, 78 से 46 कैसे बनाया है, 78 से 46 कैसे, 78 में से कितना घाटा है कि 46 बन जाए, यानी कि इसमें से माइनस का हमें मेरे बाबू 32 करना होगा, 78 में से माइनस 32 करेंगे तो हमारा 46 बन जाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे कि 46 से 16 कैसे बना है, सॉरी 46 से 30 कैसे बना है, तो 46 से 30 बनने के लिए इसमें से 16 घटाना पड़ेगा, 46 में से जब 16 घटेगा तो जाके 30 बनेगा। चलिए 30 से 22 कैसे बना है मेरे बाबू, 30 से 22 बनने के लिए माइनस का 8 करना होगा, चलिए अच्छी बात है। अब देखेंगे कि 22 से 18 बनने के लिए इसमें माइनस का 4 करना होगा, 18 से 16 बनने के लिए इसमें माइनस का 2 करना होगा। यहाँ तक किसी भाई को कुछ चीज समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया है तो फिर से एक बार और समझिए क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से समझिएगा मेरे बाबू, 78 से 46 बनाने के लिए माइनस का 32 करना होगा, 46 से 30 बनाने के लिए इसमें माइनस का 16 करना होगा, 30 से 22 बनाने के लिए इसमें माइनस का 8 करना होगा, 22 से 18 बनाने के लिए इसमें माइनस का 4 करना होगा, 18 से 16 बनाने के लिए माइनस का 2 करना होगा। कहने का मतलब मेरे बाबू पहले 32 माइनस कर रहा है, फिर 16 कर रहा है, फिर 8 कर रहा है, फिर 4 कर रहा है, फिर 2 कर रहा है, यानी कि 32 माइनस किया ना इसको हाफ 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 करते चला जा रहा है, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, तो अगले जो नंबर इसमें से घटेगी इस 2 का आधा, 2 का आधा 1 होता है, ठीक है, तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा मेरे बाबू, ठीक है, क्योंकि आधा कर रहा है, तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया गया है, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि प्लस इसमें जो माइनस कर रहा है ना पहले 32 किया है, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, उसके बाद 1 हो जाएगा, क्योंकि आधा करते हुए माइनस कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे बाबू वो हो जाएगा हमारा 15, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 7 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है बाबू ध्यान देवेंगे, कहता है यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए,
शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बताए तो बाएं सिरे से सातवें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा मेरे बाबू। देखेंगे इस प्रश्न में क्या कहता है बाबू, ध्यान देवेंगे। कहता है यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में अनुसार क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तो बाएं सिरे से सातवें स्थान पर कौन होगा। ओहो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है मेरे बाबू, क्या कह रहा है यूनिवर्सिटी में वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। ई बताइए यहाँ पर यू है, एन है, आई है, भी है, ई है, आर है, एस है, आई है, टी वाई है, इसमें सबसे पहले कौन आता है बाबू एबीसीडी में अल्फाबेट में, तो सबसे पहले मेरे बाबू आता है तो ई, सबसे पहले ई आता है। ई के बाद क्या आता है मेरे बाबू, ई के बाद आई आता है। चलिए ई के बाद आई को हमने लिख दिया, उसके बाद आप बताएंगे यहाँ पर हमारा ई भी खत्म हो गया, आई भी खत्म हो गया, फिर से यहाँ भी आई खत्म हो गया, हमारे पास अब क्या बचा यू एन आर एस टी वाई। अब क्या आता है इसमें से, तो इसमें से एन आता है, अच्छी बात है एन भी खत्म हो गया। इसके बाद मेरे बाबू यू है, भी है, आर है, एस है, टी, इसमें से क्या आता है पहले, तो पहले आता है आर, उसके बाद आता है एस, उसके बाद आता है टी, आता है पहले आर आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है, हमारे पास बचा अब तीन यू भी वाई। यू भी वाई में से पहले कौन आता है बाबू, तो पहले यू आता है, तो जाके भी आता है, तो जाके वाई आता है। इसको हमने अल्फाबेट ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। अब बताइए कि बाएं सिरे से सातवें स्थान पर कौन है, बाएं से सातवां, तो बाएं से सातवां हम गिन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी सातवें जो स्थान पर आएगा बाबू वो हमारा टी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा इस प्रश्न में, कुछ नहीं था बाबू। यहाँ पर इसको हमें क्या करना था, सबसे पहले अल्फ़ाबेट के पहले अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको रीअरेंज करना था, रीअरेंज करने के बाद हमें सातवें स्थान पर कौन है बता दिए कि टी है। कैसे रीअरेंज किए अल्फाबेट में, इसमें से देखेंगे सबसे पहले कौन आता है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे, हमारा आंसर आ गया सातवें स्थान पर टी आता है। तो इस प्रश्न को आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि आठ नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान देवेंगे। आठ नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान देने वाली प्रश्न है, कोड भाषा में यदि एल यू सी के लॉक को एल टू यू एक सी तीन के एक के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में एक्स ई आर ओ एक्स के कोड का अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक, ओहो मेरे बाबू मेरे सोना, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ध्यान देवेंगे, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, क्या कहते हैं सबसे पहले समझना है। तो यहाँ पर जो लिखा है क्या लिखा है, तो L उसके बाद यू लिखा है, उसके बाद C लिखा है लॉक, लॉक को क्या कोड किया है तो L किया है, उसके बाद दो किया है, उसके बाद यू है, उसके बाद एक है, चलिए अच्छी बात है, उसके बाद सी है, उसके बाद तीन है, उसके बाद के है, उसके बाद वन है, ठीक है। इस प्रकार से उसने कोड किया है, हमसे पूछा है तो बताइए एक्स ई आर ओ एक्स का कोड क्या होगा बाबू, हमसे पूछा है यहाँ पर क्या, तो एक्स उसके बाद यहाँ पर मैंने पूछा है कि एक्स उसके बाद ई उसके बाद है क्या, तो आर है, उसके बाद क्या है ओ है, उसके बाद एक्स है, इसका कोड क्या होगा बाबू, ध्यान देवेंगे। यहाँ पर एल से देखो यहाँ पर कैसे इसको चेंज किया है मेरे बाबू, जो एल का क्रमांक होता है वो 12 होता है हम सभी जानते हैं, तो उसने क्या किया एल को तो यहीं पे रखा, लेकिन इस नंबर जो है एल का क्रमांक 12 होता है इसका इकाई स्थान को भी रख दिया एल के साथ में, एल को ज्यों का त्यों रखा, लेकिन एल का जो क्रमांक होता है वो 12 होता है, तो 12 में इकाई स्थान पर 2 है तो 2 को उठा के यहाँ पर लिख दिया, यानी कि एल को कोड कर दिया एल यू से, ठीक है समझ गए। चलिए अब उसने क्या किया, ध्यान देवेंगे बाबू, इसको तो आसानी से आप लोग समझ गए कि एल का कोड उसने एल टू से कर दिया, उसके बाद देखेंगे कि यू को कोड उसने कैसे किया, यू को ज्यों का त्यों लिखा, यू का जो क्रमांक होता है बाबू वो होता है 21 पर, तो 21 पर इकाई स्थान पर एक है तो यहाँ भी एक लिख दिया, बिल्कुल सही, यानी कि यू को उसने क्या किया यू और एक लिख दिया, अच्छी बात है। उसके बाद देख रहे हैं जो सी का कोड किया, सी ज्यों का त्यों लिखा, और सी का हमारा क्रमांक होता है 3, तो 3 इकाई स्थान पर 3 है तो 3 को लिख दिया, यानी कि सी 3 लिख दिया, सी को सी 3 लिख दिया बाबू, तो सी को सी 3 लिख दिया। चलिए उसके बाद के को क्या किया, उसने के को किया है
के का क्रमांक होता है मेरे बाबू जानते हैं, के का क्रमांक 11 होता है, तो के इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा, तो एक आ जाएगा बाबू, तो के एक हो जाएगा, यानी कि के और एक लिखा है, यानी कि के और एक, ठीक है। जिस नंबर का कोड करना है उस नंबर को तो लिख रहा है, लेकिन उस नंबर का जो वो जिस स्थान पर लेटर होता है उसका इकाई स्थान को भी उसने साथ ही साथ लिख रहा है। तो एक्स एक्स जो होता है 24 पर, एक्स जो है तो एक्स तो आएगा ये 24, 24 का मतलब एक्स 24 पर होता है, तो 24 का इकाई स्थान पर 4 हो जाएगा। चलिए अब ई का, ई तो रहेगा, ई होता है 5 पे तो 5 लिखेगा। चलिए आर होता है 18 पे, तो आर तो रहेगा 18 का मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पर। ओ जो है 15 पे होता है, तो ओ तो रहेगा 15 का मतलब हो जाएगा मेरे बाबू इकाई के स्थान पर 5 है, तो 5 रहेगा यहाँ पर। एक्स जो रहेगा इकाई के स्थान पर क्या है बाबू, इकाई के स्थान पर एक्स 24 पे होता है, यानी कि 4 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। लेकिन ये हमसे नहीं पूछा, हमसे वो पूछा है जान रहे का, हमसे पूछ रहा है अंतिम अंक बताइए क्या होगा इस वर्ड का, जो अंतिम अंक क्या होगा। तो मेरे बाबू अंतिम अंक देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अंतिम अंक 4, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इस प्रश्न में। इसमें कुछ नहीं करना था मेरे बाबू, आप चाहते तो लास्ट के इसको भी केवल चेंज करते थे, इसको इतना बनाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें तो आपको समझाना है, तो समझाना है तो हमें तो पूरा लिखना पड़ेगा। क्या कर रहा है, उस लेटर को लिख रहा है, और उस लेटर का जो क्रमांक होता है उसकी इकाई स्थान साथ ही लिख दे रहा है, ठीक है। ई हमारा 5 पर आता है, तो ई लिख दिया, 5 इकाई स्थान पर है। आर 18 पर होता है, तो आर तो लिखा, 18 का मतलब इकाई के स्थान पर 8 है, तो यहां पर 8 लिख दिया, ठीक है। तो आप ऐसे इसको आसानी से समझ गए। यहां पर पूछा अंतिम अंक, तो अंतिम अंक क्या है बाबू, तो अंतिम अंक यहां पर 4 आ गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे बाबू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 9 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान देवेंगे हो, कहता है कितने सात निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में है जो सम संख्या से पहले लेकिन विषम संख्या के बाद नहीं है। यहाँ पर ध्यान देवेंगे बाबू, प्रश्न को आसानी से आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न। कहते हैं कितने सात निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में है जो सम संख्या के बाद आना चाहिए, यानी सम संख्या से पहले लेकिन विषम संख्या के बाद नहीं आना चाहिए। ध्यान से इसको समझ गए आप लोग, प्रश्न को आसानी से आप लोग समझ गए कहा है प्रश्न, इसको अंडरलाइन ही हम कर देते हैं। जो सम संख्या से पहले लेकिन विषम संख्या के बाद नहीं है, हमसे पूछ रहा है विषम संख्या के बाद नहीं है। सबसे पहले तुम देखो सात कहाँ है, उसको तुम अंडरलाइन कर दो, और उसके बाद इस कंडीशन को अप्लाई करो, जहाँ भी सात है उसको अंडरलाइन करो। यहाँ भी सात है तो इसको हम अंडरलाइन किए, यहाँ भी सात है तो इसको हम अंडरलाइन किए, यहाँ भी सात है तो इसको हमने अंडरलाइन किया, यहाँ भी सात है तो इसको भी हमने अंडरलाइन किया, यहाँ भी सात है तो इसको भी हमने अंडरलाइन किया, यहाँ भी सात है तो इसको भी हमने अंडरलाइन किया, यहाँ भी सात है तो इसको भी अंडरलाइन किया। हमारे पास जहाँ जहाँ सात है उसको तो अंडरलाइन हम अब कर दिए हैं। अब क्या करेंगे मेरे बाबू, इसमें से अब हम कंडीशन को लगावेंगे, जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वो हमारा आंसर होगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा आंसर नहीं होगा। कह रहा है ऐसे कितने सात है जो सम संख्या से पहले आता है लेकिन विषम संख्या के बाद में। अब देखेंगे क्या 5 सम संख्या है कि विषम संख्या। मेरे बाबू विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं जाती है विषम संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी भाग चली जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 7 है 7 विषम संख्या से के बाद आना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं 3 ई विषम संख्या थी, इसके बाद तो आया है, यानी कि ई वाला तो पास हो गया। सम संख्या से पहले आना चाहिए बाबू, तो सम संख्या क्या, ये देखो 5 सम संख्या है, नहीं 5 सम संख्या इसके पहले 7 आया है, लेकिन 5 हमारा सम संख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर सम संख्या से पहले, तो सम संख्या से पहले आ गया बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं सम संख्या, यानी 2 जो है ये सम संख्या है, इससे पहले आ गया, ये पास हो गया, लेकिन विषम संख्या के बाद नहीं आना चाहिए। 3 क्या है विषम संख्या, इसके बाद में नहीं आना चाहिए, ये भी गलत हो गया हमारा। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है
सम संख्या से पहले, क्या पांच सम संख्या है? बिल्कुल नहीं, पांच सम संख्या नहीं है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे बाबू, यहाँ देखेंगे बाबू, सात जो है सम संख्या से पहले आना चाहिए, चार सम संख्या है, ठीक है, तो इस चार से पहले तो आ गया, ये पास हो गया, लेकिन विषम संख्या के बाद नहीं है, यानी कि दो विषम संख्या, दो एक विषम संख्या नहीं है, तो ये सम संख्या के पहले और सम संख्या के बाद हो गया, यानी कि सम संख्या से पहले और विषम संख्या के बाद नहीं है, तो ये वाला तो हमारा काउंट होगा। चलिए अच्छी बात है, आगे कहता है अगला जो ई अंडरलाइन किया है, सम संख्या से पहले एक जो है हमारा सम संख्या नहीं है, तो इसीलिए ई गलत हो जाएगा। हमारे पास बचा एक और बचा है दो, उसके बाद हमारे पास क्या बचा है बाबू, यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो बचा है यहाँ पर दो, दो सात छः बचा यहाँ पर, तो देख रहे हैं सम संख्या से पहले, यानी कि बाबू ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं सम संख्या से पहले यानी छः सम संख्या है, इसके पहले भी है और विषम संख्या के बाद नहीं, दो विषम संख्या नहीं है, इसका मतलब ई भी सही है। और देखेंगे ई वाला, सम संख्या के पहले तो है लेकिन पाँच है विषम, तो विषम संख्या के बाद में तो ई नहीं होगा। तो हमारे पास कितने ऐसे हैं जो सही है, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, हमारा आंसर दो हो जाएगा। तो दो ऐसे सात हैं जो सम संख्या के पहले हैं लेकिन विषम संख्या के बाद नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे बाबू ऑप्शन दो सही हो जाएगा, कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 10 नंबर प्रश्न की ओर, का कहता है बाबू ध्यान देवेंगे, कहता है तीन के यहाँ जो यहाँ पर जो पासा दी गई है, इस पासे में तीन के विपरीत सतह का अंक होगा चारों ऑप्शन में से क्या? मेरे बाबू जब डाइस चैप्टर में यानी पासा में जब दो से ज़्यादा आकृतियाँ दी जाती है, यानी कि दो से ज़्यादा जब फिगर दी जाती है, दो से ज़्यादा जब पासे दी जाती है, तो हम क्या करते हैं, किसी दो पासे को सिलेक्ट करते हैं, किसी दो पासे को सिलेक्ट करके उसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा देंगे। किसी दो को उठा लीजिए और हमें वन कॉमन ट्रिक लगा दीजिए, पहला दो फिगर को किसी को भी उठा लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप किसी को उठाइएगा, और उसमें वन कॉमन ट्रिक हम लगा देंगे। जैसे मान लो हम ई दोनों को आपस में उठाते हैं, ई दोनों को, तो ई दोनों में कॉमन क्या क्या है मेरे बाबू, इसमें भी कॉमन तीन है, इसमें भी कॉमन तीन है, तो कॉमन वाला हमारा ट्रिक लग जाएगा वन कॉमन ट्रिक, जो कॉमन है उसे ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं बाबू, कॉमन नंबर के लेकर हम क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूम जाते हैं, यहाँ भी क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूमेंगे, इसको क्लॉक बाई डायरेक्शन में घुमा दो, इसको भी क्लॉक बाई डायरेक्शन में घुमा दो, तब पहली आकृति में तीन के बाद एक आया है, एक के बाद दो आया है, पहली आकृति में तीन के बाद एक आया है और एक के बाद दो आया है क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूमने के बाद, क्लॉक बाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। चलिए यहाँ पे दूसरी आकृति में तीन के बाद पाँच आया है और पाँच के बाद एक आया है, यानी कि तीन के बाद मेरे बाबू पाँच आया है और पाँच के बाद एक आया है। चलिए वो नंबर कौन सा है जो नहीं दिख रहा है मेरे बाबू, यानी एक दो है, तो हम सभी जानते हैं पासा में छः सतह होती है, तो छः नंबर भी होगा, तो यहाँ पर एक दो पाँच एक आ गया, ठीक है। अब देखेंगे मेरे बाबू यहाँ पर देखेंगे, फिर से बाबू देखेंगे, नहीं यहाँ पर वन कॉमन ट्रिक नहीं लगेगा, यहाँ पर टू कॉमन ट्रिक लगेगा, क्योंकि तीन और एक दो चीज़ कॉमन है, तो ये वाला नहीं लगेगा। ऐसे दो फिगर लगाए जिसमें केवल और केवल एक ही कॉमन हो और तीन का अपोजिट मालूम चल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम दूसरे और तीसरे को लगाते हैं, इसमें भी कॉमन तीन है, इसमें भी कॉमन तीन है, तो इस तीन को हमने ऊपर नीचा लिख लिए, ठीक है। पहली आकृति में जब हम तीन के बेस लेकर क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो तीन पाँच एक, तीन पाँच उसके बाद एक आएगा, यहाँ पर तीन के बाद हम क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो तीन दो, यानी तीन के बाद का आएगा तो दो आएगा, दो के बाद का आएगा तो बाबू चार आएगा, और वो नंबर कौन है जो नहीं दिख रहा है मेरे बाबू, तो वो नंबर है छः, ठीक है। तो यहाँ पर इस दो में हमने वन कॉमन ट्रिक लगा दिया, अब वन कॉमन ट्रिक लगाने के बाद हम देखते हैं क्या हमारा आंसर जो है मेरे बाबू वो सेम आता है कि अलग अलग आता है। चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बाबू यहाँ पर कि पाँच का अपोजिट दो आ गया, एक का अपोजिट चार आ गया, तो तीन का अपोजिट जो नंबर नहीं दिख रहा है क्या छः, तो तीन का अपोजिट छः हो जाएगा इस प्रश्न का मेरे बाबू राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर छः हो जाएगा, यानी कि दो से ज्यादा जब आकृति दी जाती है तो हम क्या करते हैं मेरे बाबू जानते हैं,
जब दो से ज़्यादा फिगर दी जाती है तो किसी दो फिगर को हम सेलेक्ट करते हैं और उस दो फिगर में हम वन कॉमन ट्रिक लगा के आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। और हमने वन कॉमन ट्रिक आसानी से पहले वाले पार्ट में हमने तो करा रखा है, आप वहाँ से भी इसको आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 11 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान देंगे। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जिस प्रकार ये एनालॉजी का प्रश्न है, जिस प्रकार इस क्रॉस को इससे संबंधित किया है उसी प्रकार इस प्लस को किससे संबंधित होगा, नॉन वर्बल का रीजनिंग है। हम जानते हैं यहाँ पर जो क्रॉस है मेरे बाबू, इसके अगले आकृति में क्या किया है, क्रॉस जो है अगला आकृति में इसको सभी को आपस में जोड़ दिया है, बस कुछ नहीं नया किया है। यानी कि जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस जैसे कि यहाँ पर एक क्रॉस है तो इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, तो हमारा ये वाला आकृति बन गया बिल्कुल सही। उसी प्रकार मेरे बाबू हम यहाँ पर जो प्लस है प्लस को भी वैसे करेंगे, यानी कि जो प्लस ऐसे है इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस को ऐसे जोड़ देंगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे बाबू, इसका आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, क्योंकि जब इसको हम तुम जोड़ोगे तो ऐसे ही ना बनेगा हो बाबू, ऐसे ही बनेगा बिल्कुल सही। प्लस को जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये खाली तो हो ही नहीं सकता, और ये प्लस ऐसा है लेकिन ऐसा ही खींच दिया, ये बिल्कुल गलत है। तो केवल इसमें प्लस जो है ना मेरे बाबू, जो प्लस है वो ध्यान से देखेंगे, जो प्लस है प्लस रहेगा जिम करती हूँ, और प्लस रहने के बाद यानी कि ये गुना है तो इसको क्या किया, इसको मिला दिया सभी को मिला दिया है। तो यहाँ पर जो प्लस है तो इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिला देंगे हम भी, तो ऐसा मिलाने से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। ई वाला तो नहीं बनेगा, ई वाला भी नहीं बनेगा, ई वाला बन सकता है लेकिन ई लाइन खींचने की वजह से ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से समझ गए होंगे मेरे बाबू, कुछ नहीं था मेरे दोस्त। नंबर यानी कि नॉन वर्बल जो रीजनिंग है मेरे बाबू, वो ऑप्शन डिपेंडेंट प्रश्न होता है, जितना जल्दी ऑप्शन छांटोगे उतना जल्दी आंसर पाओगे, कुछ नहीं है मेरे बाबू, ये ऑप्शन पर ऑप्शन इसमें छांटो आंसर पाओ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 12 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान देंगे। 12 नंबर प्रश्न कहता है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले समूह 3 समूह हैं, इनके लिए 4 हमारे पास ऑप्शन दी गई है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसे बताने, मेरे बाबू मेरे सोना, इसको ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर 9 हमारे पास आकृति दी गई है, 3-3 का ग्रुप बनाना है, तो ये बताइए 3-3 के ग्रुप बनाने से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम ग्रुप कैसे बनाएंगे बाबू, ध्यान देंगे, यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 जो ग्रुप बनाएंगे, 3 वो तीनों एक लॉजिक को फॉलो करना चाहिए, यानी तीनों एक ग्रुप में आना चाहिए, एक जैसी आकृति होनी चाहिए, एक तरह दिखना चाहिए, कुछ भी लॉजिक हो सकता है लेकिन एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, किसी भी एक ग्रुप को अपने मन से किसी भी 3 फिगर को एक ग्रुप बना लेंगे, यानी किसी को भी तुम ग्रुप बना लो और वो ग्रुप जिस ऑप्शन में दिया गया है उस ऑप्शन को तुम उसमें छांटो, जिस ऑप्शन में वो दी गई है उसी को छांटो, किसी एक ग्रुप बना लेंगे उसके बाद हम ऑप्शन छांटना शुरू कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 और 4 और 7 ये तीनों एक ग्रुप में आएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें 4-4 लाइन है, तो 1 उसके बाद 4 उसके बाद 7 ये एक ग्रुप में आएगा, और ये जो जिस ग्रुप में ये दी गई है उस ग्रुप को तुम जांच कर लो, क्या मेरे बाबू ऑप्शन 4 में दी गई है, नहीं ऑप्शन 4 में 1-4-7 तो नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया, हमारे पास 3 ऑप्शन बचा 1, 4 और 7। अब देखेंगे इस तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं तो 1, 4, 7 तो ग्रुप बना, अगला जो ग्रुप बनना चाहिए वो मेरे बाबू 3, 5, 8 का ग्रुप बनना चाहिए, 3, 5, 8 ओहो 3, 5, 8 का ग्रुप नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज 2D आकृति है, यहाँ पर ये सिलेंडर यानी कि 3D आकृति है, तो ये वाला तो बन ही नहीं सकता, इसीलिए ये हो गया हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए
हमारे पास बचा अब दो ऑप्शन, तो हम ऑप्शन अगर दो को मान लेते हैं सही, तो 1 4 7 है, उसके बाद 2 6 8 का ग्रुप बनना चाहिए, 2 6 8 का, 2 6 8 का जी बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी 3D आकृति, ये हमारा 2D आकृति है, तो ये भी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन दो भी गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या ऑप्शन 3 हमारा सही है। 1 4 7 तो ग्रुप बनेगा, 2 5 8, 2 5 8 बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 2 5 8 हमारा 3D आकृति है, तो ये वाला तो बन गया, चलिए अच्छी बात है। अब अगला जो 3 5 9 बनेगा, 3 5 सॉरी अगला जो है 3 6 9 है, 3 6 9, 3 6 9, ये तीनों हमारा त्रिभुज के अंदर आते हैं, जिसकी तीनों के तीनों त्रिभुज यहाँ पर तीन तीन लाइन से बना हुआ है, तो ये भी ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 सही हो गया, क्योंकि 1 4 7 ये हमारा 1 4 7 ये क्या है, 4 लाइन से बना है, तो चतुर्भुज हो गया। उसके बाद अगला जो ग्रुप बना मेरे बाबू क्या बना, तो 2 उसके बाद 5 बना, उसके बाद 8 बना, 2 5 8 बना, अगला जो ग्रुप बना वो 3 6 और 9 बना, ठीक है। इस प्रकार मेरा जो ग्रुप बना वो कितना, तो तीसरा नंबर हमारा ग्रुप बना, तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बाबू ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था मेरे बाबू, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।